यहां उस प्रकार की बात नहीं होगी, लेकिन मोहला मानपुर हो गया और दूसरे जिले हैं, इसमें इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले साल 4 मई से हम लोगों ने शुरू किया था। उसी समय से मेरे मन में ये धारणा बनी कि युवाओं के साथ ही भेंट मुलाकात करूं, और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहां की युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूं ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसकी बहुत ऊंचाई में बस्तर की युवाओं ने उसे पहुंचा दिया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार के जो शासकीय योजना है उसके बारे में, वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। दो बच्चों ने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, बहुत अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और हम लोगों ने 2018 से जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू किया। पता कैसे? पहले राशन कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती, अपने माता पिता से पूछना, अब कोई झंझट नहीं, सबके घर में राशन कार्ड, उसमें खूब देना पड़ता था। फिर कापी पुस्तक जो आपकी खरीदी होती थी उसमें वो टिफिन बढ़ता था, उसमें साइकिल जो आप लोगों को मिलता था उसमें, और फिर वो मोबाइल है, पिछले साल इन्हीं दिनों मोबाइल बटना शुरू हुआ था, वो मोबाइल किसी के पास बचा है क्या? बचा है मोबाइल? हाँ, हम लोगों ने क्या किया, सीधा सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। जैसे किसान है उसके धान बेचे, कोदो कुटकी रागे बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा, गोबर बेचे सीधा उसके खाते में पैसा, जो तेंदू पत्ता लघु उपज बेचे सीधा उसके खाते में पैसा, और तो और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना, पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक बढ़ता था, अब वो 31 तारीख को, 30 तारीख महीने के आखिरी दिन सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार उसके खाते में 2500 रुपया। तो बहुत सारे हम लोगों ने सुधार किया है, आगे जो भी है उसमें भी सुधार करेंगे। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में चप्पल घिस रहे हैं बच्चों के, और अब हमने कहा जो नवजात शिशु है उसके पिता के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो तत्काल मिलेगा। मैं पूरे बस्तर के सभी जिलों में गया, सुकमा में गया, मैं बोला जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है, एक भी नहीं हाथ उठाया। तो कलेक्टर से पूछा क्यों, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर घर बंटवा दें तो हाथ कैसे उठेगा। आज जितने भी नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमने मितान योजना शुरू की, 13-14 प्रकार के महापौर और सभापति यहां बैठे हुए हैं, 14 प्रकार के जितने सेवाएं हैं सबको हमने मितान योजना से जोड़ दिया। और उसके कारण से हुआ कि आप मितान को फोन करें, वो आपके पास आवश्यक जो कागजात है उसे लेंगे और 4-8 दिन के भीतर में आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये गाड़ी के कागजात हो, सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि ये आम जनता को उसका अधिकार है, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी 41,000 पद हम लोगों ने भरा, 41,000 पद भरे और इसमें 8-9 लाख बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं, कोई व्यापम में, कोई पीएससी में।
एक भी पैसा फीस का नहीं लग रहा है। पहले खूब पैसा लगता था, 32 करोड़ रुपया आप लोगों को बचा, 32 करोड़ रुपया। तो कोशिश यही है कि हमारे युवाओं को सुविधा मिले। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बस्तर आया तो दो ही मांग करते थे, एक तो हमारे यहां बैंक खुलना चाहिए, दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। तो हमने पूरी कोशिश की, 370 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोले। अब 10 महाविद्यालय जो अंग्रेजी के खुल रहे हैं, आपके जगदलपुर में खुल गया, कांकेर में खुल गया, करीब 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय पहली बार, और 33 महाविद्यालय इन 5 वर्षों में, 2 विश्वविद्यालय इन 5 वर्षों में, 8 मेडिकल कॉलेज इन 5 वर्षों में, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर न जाना पड़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे मेडिकल के हो। अब पहले बस्तर में एक ही मेडिकल कॉलेज था, कांकेर में खुल गया, अब गीदम भी खुलने वाला है, तो बस्तर में 3, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, फिर कवर्धा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, सब जगह हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ हो, हमारे बच्चों को भी अवसर मिले। और ये कोशिश हमारी है ताकि जो इलाज की बात है वो सुविधा मिलना चाहिए। और बहुत सारी जो बीमारी बस्तर में, खासकर मलेरिया है, 4 परजीवी सूचकांक 4% से अधिक था, 4.62, अब वो घट के 0.7 हो गया, बहुत कम हो गया मलेरिया का। हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जांच, दवाइयां भी मुफ्त, तो इस प्रकार की व्यवस्था। तो पहले से बस्तर में बड़ा बदलाव आया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हमारे घर में माता पिता है, कुछ साल पहले महुआ को ऐसे फेंक देते थे सड़क में, क्योंकि 2 रुपये किलो में बिक रहा था। आज जितने लघु उपज है उसके मूल्य वृद्धि की, पैसा आपके पास गया, ऋण माफी का, कोदो कुटकी धान का पैसा आपके पास गया, लघु उपज का पैसा गया। आज अपने पसंद के आप चप्पल जूता खरीद रहे हैं, नहीं पहले तो चप्पल जूता मारते थे, एक पैर में 6 नंबर, एक में 5 नंबर, उसमें भी कमीशन। हमने कहा पैसा दे दो भाई, अपने पसंद के वो जूता चप्पल पहने, अपने पसंद के कपड़े हो, अपने पसंद के मोबाइल हो, टावर की व्यवस्था कर दो। ये प्रयास हम लोगों का रहा है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कुछ घोषणाएं मैंने कल की थी, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली। बहुत सारे युवाओं के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है, जैसे अब बस्तर फाइटर की भर्ती हम लोगों ने किया है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी यहाँ की गई है। तो बहुत सारे अवसर युवाओं को देने का हमारा प्रयास, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके लिए ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी 36 ITI है, उसका उन्नयन का काम हमने हाथ में लिया है, टाटा के साथ MU हुआ है। ये जमीन के लिए नहीं, वो ITI में जो आज आधुनिक तरीके के जो ट्रेड है उसकी स्थापना करेंगे, और लगभग 10,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उसके व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, ये हम सबकी कोशिश। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूं, तो किधर से शुरू करें, किधर से? अच्छा, इधर से शुरू करते फिर इधर आते हैं, इधर से शुरू करें। अच्छा, अच्छा, चलो भाई, एक पहले इधर से लेते हैं फिर इधर से लेते हैं, ऐसा एक इधर ऐसा, फिर बीच में आ जाएंगे, ठीक है? चलो भाई इधर से दो माइक दो। हाँ जी बताएं। कौन बोलेगा? अच्छा आप बोल रही हैं। क्या नाम, परिचय दीजिए, कहाँ से हैं वो बताइए। मेरा नाम भूमिका शाह है, मैं क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर से BA तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम। मैं एक कलाकार हूं और एक विद्यार्थी भी हूं, तो कलाकार होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बस्तर में बादल बस्तर अकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर की स्थापना की। तो बधाई, धन्यवाद। जिससे कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि बादल से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के रोजगार के विषय में भी प्रयास किया जाए, और इसके लिए मेरे पास दो सुझाव भी हैं। सर्वप्रथम कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हो, जिससे कि यहाँ के जो सांस्कृतिक जो ज्ञान है वो यहाँ के अध्ययनरत और प्रशिक्षित छात्रों के जरिए दूसरे इंस्टीट्यूट तक भी पहुंचे। बढ़िया सुझाव। दूसरा सुझाव ये कि मुख्य तौर पर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं, तो उन्हें फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे तुम्बा काष्ठ आदि शिल्प कलाओं के विद्यार्थी, साथ ही अन्य कलाओं के विद्यार्थी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर या फिर खुद का उद्यम शुरू करके रोजगार कर सके और इनकम जनरेट कर सके। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो है कि आसना में जो बादल शुरू हुआ उसकी आपने प्रशंसा की, और यह हमारी संस्कृति बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि हमारे जो कल्चर है वो बचे रहे, हमारी भाषा है वो बची रहे, हमारे तीज त्योहार हमारे परंपरा है वो बची रहे। तो उसको वहां उस प्रकार से डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं, लिपिबद्ध भी कर रहे हैं, और उन कलाओं के फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ये तो काम तो हो रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने अभी ये घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ी में, कुड़ुक में, हल्बी में, गोड़ी में भी अब शिक्षा प्रदान की जाएगी, पहली से लेकर पांचवी तक। कल ही मैंने घोषणा की है 15 अगस्त को। तो जब वहां पढ़ाई शुरू करेंगे तो भर्ती भी होगी। दूसरी बात, बस्तर के लोग बड़े हुनरमंद हैं, कोई न कोई हुनर उसमें है, कोई विशेषता उसमें है, कोई कास्ट कला में, कोई लोहे में कुछ बनाएगा, कुछ चित्रकारी करेगा, कुछ निर्माण करेगा, कौन कोई उसमें विशेषज्ञता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों ने, जैसे अभी गौठान हम लोगों ने बनाया, जमीन आरक्षित कर दी, उसमें पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी रीपा हम लोगों ने शुरू किया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और उसमें 300 जगह के हर ब्लॉक में दो। तो उसमें जो लोकल जो कलाकार हैं, लोकल जो हुनरमंद लोग हैं, उनको हम वहां जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, शेड भी उपलब्ध कराएंगे, पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे, अप्रोच रोड भी बनाएंगे, बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही बिक जाए, जब निर्माण हो जाए तो उसे बेचने के लिए भी आपसे, चाहे कंपनियों से हो चाहे सी मार्ट के माध्यम से, आप बिक्री कर सकेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने हर ब्लॉक में दो किया है। और आपके यहां जगदलपुर में कौन से गांव है? कुडेनार, तुरेनार। तुरेनार में मैं खुद ही गया था, करीब 26 दुकानें वहां खुली हैं, सबको जगह दी गई है। तो ऐसे जो लोग हैं जिसके पास कला है, जिसके पास हुनर है, उसको अवसर मिलना चाहिए, जिंदगी ऐसे नहीं बीत जाना चाहिए। ये धरती हम सबकी है, ये बस्तर हम सबका है। तो यहाँ की जो जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार की बात हम करते हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमने देने का भी काम किया है और सुविधा भी देने का काम किया है, और इसे जो अभी किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। संतुष्ट हैं? थैंक यू। दूसरा, यह माइक चालू करो। हेलो, जय जोहर काका। जय जोहर जी। मोर नाम निखिल तिवारी है जी। और मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हूँ। काका, पिछले 6 साल से एग्रीकल्चर में एक भी पोस्ट नहीं आए काका। अच्छा। तो ले हमारे संगी है बिलासपुर में कहे भी रही से, तय कहे रहे इसके बिलासपुर में जाए एक बार, रायपुर जाए एक बार, मैं घोषणा कर दे हूँ। और FB में ट्विटर में पोस्ट तक आए रही से तो ऑफिशियल पेज ले, 2 घंटा में वो पोस्ट डिलीट हो गए काका। हमन 6 साल ले, हमन किसी के विद्यार्थी 6 साल ले संघर्ष करते हैं काका। हमारे दाई दादा मन अपन खेत खार बेच दीस कि हमारे लड़का आ जाए कृषि पढ़ी और हमारे आगे के भला करी, आगे के किसान मन के भला करी। एक और छोटा सा बात काका मैं रखना चाहूँ,
कि कृषि मा ककत और जतका योजना है या केंद्र के जतका योजना है तेला आम जनता तक पहुंचाए काम को करते तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है और उद्यानिकी कृषि विस्तार अधिकारी है। कका एकर हजारों पोस्ट खाली है, आज एक एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के ऊपर मत 10-10, 20-20 गांव के जिम्मेदारी है, तो अपन किसान की कैसे भला करी कका। तो मैं आग्रह करता हूँ कि मंच के माध्यम ले तय घोषणा कर दे कका। बहुत बढ़िया, का नाम बताए तिवारी जी? निखिल तिवारी। निखिल तिवारी सब पे भारी और एक चिंगारी निखिल तिवारी, क्या बात। तो निखिल जी ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। अभी व्यापम में और इसमें करीब 41,000 पदों की परीक्षाएं हो रही है, ये भी लाइन में है, चिंता मत करो। लेकिन मैं बिलासपुर में कहा था कि इसको मैं देखूंगा क्यों नहीं हुआ, तो ये अब वो फाइल सरकते अब मेरे विभाग के पास पहुंच चुका है, समझ गए ना। हाँ। तो बहुत जल्दी वित्त की स्वीकृति मिलेगी। चुनावल पहली कर दे काका, पूरा कृषि विद्यार्थी मन खुश हो जाए, खुश कर दे हमला सबेल कर दे इसने। हाँ। हमरो बरे कर दे हम। हाँ। बहुत दिन ले संघर्ष कर रहे थे ना। हाँ, अंकित को फोन लगाओ भाई, इस सबक पहले इसको घोषणा करना है, ठीक है। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात ये है कि यदि किसानों के माली हालत सुधारना है तो शासकीय सेवा में आने के बाद ही सुधरेगी, ऐसा सोचना गलत। आप यहां खुद के अपने कंसल्टेंसी ऑफिस खोल सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, जो उस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग मतलब जो आज बस्तर में, पहले बस्तर में क्या होता था, सब्जियां बाहर से मंगाई जाती थी, यही स्थिति थी ना। और आज परिवर्तन क्या है, बस्तर से सब्जियां बाहर जा रही है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। मान लो मैं पोस्ट निकाल भी दूंगा तो सभी को शासकीय नौकरी नहीं मिल जाएगी, ठीक बात है ना। उसमें कुछ कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा उसके लिए क्या है, एक पीट सर निकल, एक पीट का निकाल देवे और बात अगर नहीं हो इस, हाँ। पूरा किसान डेडिकेट हो एक बात। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी फोन लगा पता करवा था अभी, ठीक। हाँ, चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दूसरे जिले को दो। अच्छा एक लग, एक दे दो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ बताओ। सर मैं अब पहली तो आप मन से छत्तीसगढ़ी में गोठियाना चाहता हूँ। प्रणाम काका, जय जोहार। खुश रहो। का नाम इन्होनी? कृतिका निशान। मैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में राजनीति विभाग के छात्रा हूँ। अच्छा माननी, आप छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन भर और विद्यार्थी मन भर और बस्तर संभाग के विद्यार्थी और खिलाड़ी मन भर जिन काम करे हो तेखर भर मैं आप मन ला बहुत कोटी कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बधाई। कतेकानी स्टेडियम बन गए जगदलपुर में? हाँ माननी बन तो गए है, पर समस्या कुछ और है। अच्छा। हाँ ओकरे पे तो सुने पर आया मैं। हाँ माननी पता है, ए हम खिलाड़ी मन हाँ खेल के मैदान में खेल थन, फिर अर्जुन एज बन के रही जन, अब द्रोणाचार्य काम भीत करे लगही ना। माननी हमर अतिक बड़ बस्तर संभाग जेमा एक खंड BPA ना MPA के पाठ्यक्रम नहीं है, अब कैसे करबो, हमला द्रोणाचार्य बनना है तो जब तक ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़बो तब तक हम कैसे बन पाबो। माननी औ दू ठन औ बात है मोर सुन ले। एक ठक बोलूं के रीसे और रूंगा तो रूंगा तब तू ठीक आऊ। हाँ हाँ हाँ। अब माननी मोल अतिक जन के प्रतिनिधित्व करे मौका मिले है